Oh, it's raining out here. And today is a travel day. Let's go. फाइनली मैं अभी सेंट्रल में आ गया हूँ एंड यहाँ से मेरे को एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने टिकट बुक नहीं करा था एक्चुअली. एक हफ्ते पहले जब मैंने देखा था तो टिकट जो थी वो सारी भर चुकी थी, तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर द तत्काल टिकट्स, राइट. तो मैंने कल देखा था एक दो सीट्स अवेलेबल थी, बट अचानक से देखा तो सारा फिलअप हो गया था एंड अब कोई चारा नहीं था. मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रख लिया था मेरे को इस दिवाली में जाना ही है किसी हालत में, तो मैं जाके ही रहूँगा जहाँ जा रहा हूँ मैं. और अभी मेरे को वो वहाँ पर एक लाइन है, क्यू है, वहाँ से जाके टिकट लेना है एंड जनरल की. एंड आई डोंट नो हाउ कैसे मैं जाने वाला हूँ, बट मैं ज़रूर जाऊँगा एंड ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा जो मैं चाहता था, प्लान करके रखा था. तो एज़ यूजुअल कुछ भी प्लान नहीं करके निकला था. पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पर टिकट लेने में. तो आई लाइक अनप्लान ट्रिप यार, तो देखते हैं क्या होता है. ट्रेन जो है वो 7:15 की है, होपफुली मैं कैच कर लूँ तो बहुत सही रहेगा, देखते हैं. अभी इतनी बड़ी गलती कर दी है ना मैंने, मेरे को जिस स्टेशन में मेरा जो डिपार्चर है वो स्टेशन नहीं, दूसरे स्टेशन में आ गया मैं. मेरे को लगा कि इस स्टेशन में बिकॉज यहीं से ही सारा मेन मिलता है, बट नहीं, मेरे को दूसरा स्टेशन जाना है. अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा. बाई मी, बाई ऑलवेज मी. तो अभी फटाफट मैंने लगा दिया बुकिंग में. अरे यार, 7:15 की ट्रेन है और टाइम अभी 6:01 हो रहा है. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कैच और नॉट, बट डेफिनेटली एडवेंचर्स होने वाला है. 8671 मामा. तो चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन मेरे को आना था और मैं अभी आ गया हूँ. एक्चुअली इसके पीछे एक होल स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ. एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ था, वो अभी टिकट काउंटर में, मैं उसके पास जाके तुम्हें पूरा स्टोरी बताता हूँ. ये है मेरा दोस्त अक्षत. तो ये और मैं साथ ही निकले थे स्टेशन के लिए, और मेरा जो स्टेशन था मेरे को लगा कि सेंट्रल होगा, बट और इसका जो था वो एग्मोर था. तो मैंने इसको, ये मेरे साथ सेंट्रल आया था, सोच रहा था कि शायद इसको सेंट्रल से मिल जाए ट्रेन. वेट वेट, इसका जो ट्रेन था वो एग्मोर से था, बट जब मैंने भी ऐसे ही सरप्राइजिंगली चेक करा कि मेरी ट्रेन भी वहीं से जा रही है या नहीं. एक्चुअली मैं रिटर्न टिकट बुक कर रहा था, तो तब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा जो है वो भी एग्मोर से ही है. तो मैं इसको जैसे मैं फिर फटाक से इसको कॉल करा, मैंने कहा यार मेरी भी टिकट ले ले, मैं आ रहा हूँ. फटाक से ऊबर पकड़ा एंड नाउ वी आर हियर. अक्षत से हाय. सो टिकट मैंने ले ली है, टिकट अराउंड 205 की कॉस्ट हुई थी. टाइम इज़ अराउंड 6:33 एंड कुछ आधे घंटे में ट्रेन आ जाएगी एंड डिपार्चर कुछ 7:15 तक हो जाएगा. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज प्लानिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो फाइनली मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. जो जगह है वो मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा. सून आई विल डू. टाइम अभी 6:35 भी हो रहा है और ट्रेन जो है आ गई है स्टेशन में, इतनी जल्दी आ गई. एंड डिपार्चर भी 7:15 को है, पता नहीं सीट मिलेगी भी या नहीं, ऐसे ही खड़े होके जाना पड़ेगा. सीट
सारी अनफॉर्चुनेटली भर चुकी है मेरे, एक रात में मैनेज कर लूँगा, देखते हैं, बट सारी सीट भर चुकी है। लेट्स सी, स्टेशन इज़ क्वाइट रियली वेल मेंटेन्ड एंड अभी मैंने कुछ ले लिया खाने के लिए, क्योंकि रात का खाना मैं शायद ना खाऊँ बिकॉज मैं 8:30 तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, एंड वहाँ पर वहाँ का खाना जो है लोकल खाना, उसके साथ हम अपना डे स्टार्ट करेंगे कल। तो अभी बस आधा घंटा और है ट्रेन निकलने में, और ऑलरेडी ट्रेन काफ़ी भर चुकी है, पता नहीं क्या करूँगा। दिवाली की सब छुट्टियाँ पड़ी थी कॉलेज में, कुछ 5 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए सब अनप्लान्ड था, किसी को पता नहीं था कि इतनी दिन की छुट्टी पड़ेगी, तो सब अपना अपना घूमने निकल रहे हैं। तो ये भी अपने घर ही निकल रहा है, इसका घर है कन्याकुमारी, वो भी कुछ है, एक रात का पूरा सफ़र है, एंड ये भी एज अ सेट कुछ प्लान नहीं था, तो ये भी अनरिजर्व में ही जा रहा है, एंड इसको भी मेरी तरह ही खड़े होकर जाना पड़ेगा, तो सही है, एटलीस्ट मैं अकेला नहीं हूँ। बड़ा अभी जस्ट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, एक अराउंड कुछ 12 आवर्स, पता नहीं कैसे निकालने वाला हूँ, स्ट्रेट आउटसाइड जब टॉयलेट हूँ तो मुश्किल है, बट मैंने प्लान किया, मैंने सोच लिया था भाई जाना है तो जाना है कैसे भी, तो मैं जा रहा हूँ, अब देखते हैं कैसे। बिस्मिल्लाह, इट वॉज़ अ चैलेंज फॉर मी टू शूट, इतने स्लो के बीच में शूट करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब भी मैं कैमरा ऑन कर रहा था एटलीस्ट 10 लोग घूम फिर के स्टेयर कर रहे थे मेरे को, एंड बस मेरे को इतना था कि माइंड में कि मेरे को अच्छे से दिखाना है आप लोगों को कि हाउ द कंडीशन इज़ ऑल अराउंड मी। टिंडी वनम, कुछ अराउंड 3 स्टेशन गया यहाँ से, एंड द ओनली थिंग इज टेकिंग मी स्टिल इज दैट मोटिवेशन कि मैं सुबह वो जो पाम्बन ब्रिज है ना उसको मेरे को सामने से देखना है, दैट ओनली थिंग इज ड्राइविंग मी क्रेजी। एंड अभी जैसे टाइम हो रहा है 9 अराउंड, तो ऑलमोस्ट 10 आवर्स से ज़्यादा कुछ स्टे करना है, एंड देखते हैं, इट्स ऑल गोइंग वेल बाय द वे। So the time is around 11:23 and अभी जाके मेरे को, और ट्रेन में मैं चढ़ा था अराउंड 7:15 को, और अब जाके मैं बैठा हूँ, इतनी देर पूरा खड़ा हुआ था ऐसी ऑल पूरा भरा पड़ा हुआ है, थैंकफुली मेरे को सीट मिल गई है। अब बस लेटना है, कुछ 7-8 घंटे का जर्नी है, और मेरे को सुबह उठती गई 7:30 बजे पाम्बन ब्रिज देखना है फर्स्टली, एंड अभी स्टेशन आया है, स्टेशन जो है वो चिदंबरम स्टेशन आया है, एंड लेट्स सी क्या होता है। अराउंड 3:45 समथिंग, अब थोड़ा ठंड लगने लगा है, काफ़ी कूल ब्रीज आ रही है, एंड एज आई टोल्ड अर्लियर क्लाइमेट ही पूरा बारिश का है, तो हर जगह काफ़ी अच्छा क्लाइमेट हो रखा है यहाँ पर साउथ साइड में, तो अभी ठंड लग रही है मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊँ कुछ देर और। थैंकफुली मेरे को रात को ही सोने के लिए जगह मिल गई थी, अदरवाइज़ काफ़ी फटीग होता बॉडी में, बट अभी बिल्कुल रिलैक्स हूँ, चिजल्ड हूँ, फिट इनफ टू एक्सप्लोर ऑल दो प्लेसेस देयर आई एम गोइंग, एंड सो एंड 2 स्टेशन पहले ही ट्रेन काफ़ी पैसेंजर्स उतर गए थे, तो अब ट्रेन काफ़ी खाली है, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम अब मैं जा सकता हूँ। बस 3 स्टेशन है यहाँ से कुछ, और टोटल जर्नी कुछ 1 आवर की होने वाली है ट्रेन की, एंड उसके बाद जो है बाकी वो जगह है जो व्यू मेरे को कैप्चर करना है ना, उसके लिए मैं वरीड था कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, मैं कैसे आके बाहर से मतलब
इस पोजीशन से वो व्यू देख पाऊँगा, बट विद गॉड ग्रेस गॉड हेल्प लोग सारे खाली, काफ़ी पैसेंजर्स उतर चुके हैं तो पूरा जगह खाली है, तो मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँगा। एंड आई कांट वेट यार, सीरियसली मेरे को वो जगह देखना है। एंड तुम सोचोगे क्यों मैं इतना कह रहा हूँ, बिकॉज दैट प्लेस वर्थ वॉचिंग। सो या So here comes the beautiful Paman Bridge. इस पामन ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था 24 फरवरी 1914 को। ये पामन ब्रिज कनेक्ट करता है मंडपम टाउन मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम पाम्बन आइलैंड से। इसकी लेंथ टोटल 2.6 किलोमीटर है और ये उस टाइम का इंडिया का फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज था। उस अब नहीं है बिकॉज बांद्रा वाली सी लिंक जो 2010 में बना था वो अब इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। टिल 1988 रामेश्वरम को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ पामन ब्रिज था, और उसके बाद एक कुछ रिपेयर होने के कुछ डैमेज को रिपेयर करना था पामन ब्रिज का, जो जिसको रिपेयर करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे। फॉर दैट रीज़न एक अलग से एक पाथवे चूज़ करा जिसमें बिल्कुल पैरेलल ही पामन ब्रिज के एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम था अन्ने इंदिरा गांधी रोड ब्रिज, जिसको हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने इनॉग्रेट करा था 2 अक्टूबर 1988 को। What I'm seeing is something which I can't express, nature's beauty. ये जो ब्रिज के ऊपर से अभी हम जा रहे हैं, ये ब्रिज एक्चुअली सेंटर से ओपनेबल है सो दैट जो भी शिप्स वगैरह है वो इसके थ्रू पास हो सके। ऑन 23 दिसंबर 1964 को एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें एक स्टॉर्म जो होता है वो उस आइलैंड को हिट करता है, और जो ट्रेन पामबन से धनुषकोडी जा रही होती है उसमें करीब 200 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं जो जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। एंड उस टाइम के बाद से पामबन से जो भी ट्रेन धनुषकोडी को जाती है सब बंद कर दिया, एंड अब जो ट्रेन है वो सिर्फ रामेश्वरम तक ही जाती है। इससे पहले बाकियों के वीडियोस में देखा था, खुद भी अपने आँखों से देख लिया, एंड अपने आप देखने में एक अलग मज़ा है यार, जो फील है ना अल्टीमेट फील है यार, क्या बताऊँ। तो फाइनली आफ्टर कड़ी मेहनत कड़ी तपस्या के बाद हम फाइनली रामेश्वरम पहुँच गए। तो ये था मेरा सफ़र चेन्नई टू रामेश्वरम। इसके आगे जो सफ़र है उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए एडियोस अमीगो, सी यू।